हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में गॉस की प्रमेय या फिर बोल सकते हैं गॉस का नियम बताऊंगा, यानी कि गॉस का क्या नियम है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर ये जो नियम है ये उसी से संबंधित है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स संबंधित है। तो यहाँ पर जो गॉस लिखा है, गॉस ये वैज्ञानिक का नाम है। तो गॉस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई, इसके अलावा उस पृष्ठ से परिबद्ध जो आवेश होता है, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। तो यहाँ पर आवेश और इसके अलावा वैद्युत फ्लक्स के बीच जो संबंध स्थापित किया गया था, उसे ही बोलते हैं गॉस का नियम। तो यहाँ पर गॉस का नियम या फिर गॉस की प्रमेय, तो यहाँ पर गांधी सबसे पहले लिखा गया है कथन, यानी कि गॉस का नियम जो है उसका कथन क्या है। तो इसके लिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये एक पृष्ठ दिया गया है और ये पृष्ठ जो है एक बंद पृष्ठ है, यानी कि जो पृष्ठ दिया गया है ये एक बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ को आप गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं। और इस पृष्ठ के अंदर जो है कि किसी बिंदु पर जो यहाँ पर एक आवेश दिया गया है Q, ध्यान दीजिए इस पृष्ठ के अंदर किसी भी बिंदु पर एक आवेश दिया गया क्यू। तो गॉस ने बताया कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ई से। तो गॉस ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो उस पृष्ठ से परिबद्ध यानी कि जो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश होता है यानी कि क्यू, उस आवेश का 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये वैज्ञानिक गॉस ने बताया था। गॉस ने बताया कि किसी पृष्ठ से यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ पर परिबद्ध जो कुल आवेश होगा, उस कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं गॉस की प्रमेय। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये आवेश है और ये वैद्युत फ्लक्स है। तो आवेश और इसके अलावा जो वैद्युत फ्लक्स है, इन दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाता है, यही कहलाता है गॉस का नियम। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि इससे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि पृष्ठ पर जो आवेश दिया गया था, वो आवेश जो होता है 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसका मान किसके बराबर होगा? वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। तो यही क्या कहलाता है? गॉस का नियम। फिर से ध्यान दीजिए, आप बताएंगे कि किसी बंद पृष्ठ यानी कि किसी बंद पृष्ठ या फिर बता सकते हैं गॉसियन पृष्ठ, तो किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश होता है, उस कुल आवेश का 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं गॉस का नियम। तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए, गॉस के नियम का जो कथन है, वही यहाँ पे लिखा गया है कि किसी बंद पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि क्यू का 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये जो आपको दिया गया है बंद पृष्ठ, इसके अंदर आवेश कितने हैं? क्यू। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा पृष्ठ दिया गया, जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक आपको बंद पृष्ठ यानी कि गॉसियन पृष्ठ दिया गया है, और इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित जो आवेश है, यहाँ पर है क्यू वन, इसके अलावा क्यू टू, इसके अलावा क्यू थ्री, इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है क्यू फोर, इसी प्रकार इसके अंदर क्यू एन यानी कि एन आवेश यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके अंदर अगर इस प्रकार से आवेश दिए गए हैं और वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिए आप इस प्रकार से लिखेंगे फाई ई बराबर, ध्यान दीजिए जहाँ पर हम लोगों ने लिखा था क्यू, इसकी जगह पे अब आपको प्रयोग करना है क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस आगे डॉट डॉट कर दीजिए क्यू एन, यानी कि जितने आवेश होंगे सभी को जोड़ना है, और उन सभी का योग जो है यानी कि कुल आवेश जो होगा, वो 1/ एप्सिलॉन नॉट गुना होगा वैद्युत फ्लक्स के। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, इस आवेश में यानी कि यहाँ पर क्यू आवेश दिया गया, तो यहाँ पर लिखा गया था क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर एक से अधिक आवेश दिए गए तो उन सभी का जितना योग होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है परिबद्ध कुल आवेश या फिर कह सकते हैं नेट आवेश, तो जितने भी उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश दिए गए होंगे उन सभी का योग करना है आपको। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप इससे ऐसा लिख दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए आवेशों का योग दिया गया है, तो इससे आप लिख सकते हैं सिग्मा क्यू और बटे में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट।
तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इस नियम को लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश होंगे उन सभी का योग यानी कि कुल आवेश आपको यूज करना है इसमें। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया गया था, जहाँ पर आपको बताया गया था फाई ई बराबर होता है, ध्यान दीजिए सूत्र पढ़ाया गया था आपको, सरफेस इंटीग्रेशन सदिश ई डॉट डी ए, ये इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस फाई ई की जगह पे हम लोग इसका यूज कर दें, तो अब ध्यान दीजिए यही सूत्र फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि फाई ई के बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन सदिश ई इसके बाद डी ए, इतना हुआ इसके बराबर, और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से भी आप इस नियम को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये तो यहाँ पर हो गया गॉस का नियम यानी कि गॉस की प्रमेय का कथन हो गया, और ये यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स इसके अलावा आवेश के बीच संबंध हो गया। तो यहाँ पर अब इस प्रमेय को जो है आपको सत्यापित करना है यानी कि इसका यहाँ पर निगमन करना है, और निगमन करने से पहले यहाँ पर आपको एक टॉपिक और ध्यान देना है, यानी कि आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि घन कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले आप समझ लीजिए तो यहाँ पर प्रमेय समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया है घन कोण, तो घन कोण के लिए पहले यहाँ पर फिगर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये किसी गोली पृष्ठ का एक भाग दिया हुआ है, इस गोली पृष्ठ के भाग द्वारा किसी गोले के केंद्र पर यानी कि ये मान लीजिए गोले का केंद्र दिया गया है, और ये यहाँ पर जो है उस गोले का एक पृष्ठ लिया गया है। तो किसी भी गोली पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये गोली पृष्ठ है और इस पृष्ठ के द्वारा ये कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये जो कोण बनता है इसे ही बोलते हैं घन कोण, और इसे लिखा जाता है ओमेगा से। याद रखेगा कि किसी गोली पृष्ठ के क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उससे हम लोग बोलते हैं घन कोण, और उससे प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से, यहाँ पर ये दिया गया आपको ओमेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर कोई ऐसा पृष्ठ दिया गया जिसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया, या फिर कह सकते हैं आप अल्प क्षेत्र लिया गया है उसका, तो यहाँ पर अगर इसका अल्प क्षेत्र हम लोग मान लेते हैं डी ए है, और इसकी दिशा में इकाई सदिश यहाँ पर एन कैप है, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर इतना दिया गया है, और अगर ये नहीं दिया गया है, तो सीधे घन कोण का सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर, यानी कि फिर वहाँ पर घन कोण इतना यूज करना है, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। लेकिन अगर वहाँ पर उस पृष्ठ का एक अल्पांश क्षेत्र दिया गया है, इसके अलावा एकांक सदिश के बीच का कोण थीटा दिया गया है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिए इस अल्प क्षेत्र द्वारा जो अंतरित घन कोण होगा इससे हम लोग फिर लिखेंगे डी ओमेगा से, क्योंकि ये अल्पांश द्वारा अंतरित घन कोण है, तो इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे डी ओमेगा से, और इसका सूत्र होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है घन कोण का सूत्र है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है घन कोण का, ये अल्प क्षेत्र द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ये अल्प घन कोण दिया गया डी ओमेगा, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग गॉस की प्रमेय का सत्यापन करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग गॉस प्रमेय की उपपत्ति करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ दिया गया आपको, यानी कि बंद पृष्ठ इस प्रकार से दिया गया है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर यहाँ पर एक बिंदु दिया गया आपको O, और इस बिंदु O पर जो है प्लस Q परिमाण का एक धन आवेश रखा गया है, और ये जो गॉसियन पृष्ठ दिया गया है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं A, और इस गॉसियन पृष्ठ का जो है पहले हम लोग एक अल्प भाग लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बिंदु जो है ये P है, और इस बिंदु P के चारों ओर जो है एक अल्प क्षेत्र यानी कि अल्पांश की परिकल्पना कर लेते हैं, यहाँ पर ये अल्प क्षेत्र हो गया डी ए, इतना हुआ। तो ये अल्प क्षेत्र है, तो इस अल्प क्षेत्र द्वारा बिंदु O पर जो कोण बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस अल्प क्षेत्र के द्वारा बिंदु O पर ये कोण बनेगा इतना, तो ये जो कोण बनेगा इसे ही हम लोग बोलते हैं घन कोण यानी कि डी ओमेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार से ये यहाँ पर हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्रकार से हो गई। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अल्प क्षेत्र है डी ए, इसका जो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस अवयव के लंबवत होगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर आप बता सकते हैं सदिश डी ए,
और एकांक सदिश भी इसी दिशा में होगा यानी कि एन कैप, इसके बीच का कोण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कितना है, थीटा। तो ये कोण मान लिया गया है यहाँ पर थीटा। ये यहाँ पर हो गया बिंदु P, ये यहाँ पर बिंदु O है और यहाँ पर आवेश है प्लस Q। इस प्रकार से ये इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप इस फिगर की सहायता से इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपको लिखना किस प्रकार से है, आप इसी फिगर की सहायता से लिखेंगे। तो आप बताएंगे कि माना किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर Q परिमाण का कोई धनावेश रखा गया है। इस बिंदु O से, अब ध्यान दीजिए, O से यहाँ तक की हम लोग दूरी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान लेते हैं, R। तो दूरी आपको मान लेना है R, यानी कि O से P तक की जो दूरी है वो मान ली गई R। तो उसी के अनुसार आपको लिखना है कि माना किसी गॉसीय पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर Q परिमाण का कोई धनावेश रखा गया है और बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश dA की परिकल्पना की गई है। हमें इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का निर्धारण करना है। इस प्रकार से आपको इतना यहाँ पर लिखना है। एक बार ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, आप किस प्रकार से लिखेंगे। आप इसमें बताएंगे कि माना गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर Q परिमाण का कोई धनावेश रखा गया है, बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश dA की परिकल्पना की गई है। हमें संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का निर्धारण करना है। इतना आपको यहाँ पर लिखना है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद सबसे पहले हम लोग जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपको लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब सूत्र प्रयोग करेंगे तो सूत्र होगा E बराबर 1/4πε0, इतना होगा। इसके बाद Q बटे R स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा प्लस Q आवेश के कारण R स्क्वायर, क्योंकि O से लेके P तक की दूरी कितनी है R, इसलिए यहाँ पर R हो जाएगा। तो ये इतना हुआ। इससे आप चाहे तो यहाँ पर मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये अल्पांश dA है इसके द्वारा अंतरित घनकोण कितना है, d ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग घनकोण लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब अल्पांश, यहाँ पर आपको लिखना है अब अल्पांश dA द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस अल्पांश dA द्वारा बिंदु O पर जो अंतरित घन कोण है इसे हम लोग लिखेंगे d ओमेगा से, और इसका सूत्र हो जाएगा dA cos थीटा बटे R स्क्वायर। यहां पर ध्यान दीजिए, ये यहां पर जो है घन कोण का सूत्र प्रयोग किया गया और घन कोण के बारे में अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर ये d ओमेगा बराबर हो गया dA cos थीटा बटे R स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पर समीकरण 2। अब इसके बाद यहाँ पर जो अल्पांश dA है इसी से बद्ध हम लोग यहाँ पर अल्प वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे पहले। तो यहाँ पर अब लिखेंगे आप, अब अल्पांश dA से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स। तो अब ध्यान दीजिए, अल्प वैद्युत फ्लक्स को लिखेंगे डी फाई ई से, इतना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसका सूत्र हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना है आपको, ये होगा ई डी ए कॉस थीटा। इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो यहां पर ये अल्पांश डी ए से बद्ध अल्प वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसको यहां पर आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो यहां पर हम लोगों को जो है इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने यहां पर इस अल्प क्षेत्र के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया है, और संपूर्ण के कारण वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग समाकलन करेंगे यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध
कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो अब यहां पर हम लोग जो है इस पूरे पृष्ठ के कारण जो है बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से ज्ञात करने के लिए इससे हम लोग लिखेंगे फाई ई से। इसके लिए यहाँ पर आपको सरफेस इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पर इसका पृष्ठ समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिए, सरफेस इंटीग्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए डी फाई ई, इतना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब इस जगह पर हम लोग समीकरण तीन से मान रखेंगे यहाँ से। तो जब समीकरण तीन से इसका मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आया ई, ई का मान अब हम लोग समीकरण एक से रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण एक से। तो अब ध्यान दीजिए जब समीकरण एक से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन, ई का मान रखेंगे यहाँ से वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हुआ, क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद इंटू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नियतांक है इसे हम लोग बाहर लिखते हैं, यानी कि वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्यू दिया गया है, ये क्यू भी आप बाहर लिख दीजिए, इस प्रकार से क्यू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये होगा सरफेस इंटीग्रेशन, इसके बाद यहाँ पर हो गया डी ए कॉस थीटा और बट्टे में यहाँ पर यह आ गया आर स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए फाई ई बराबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्यू बट्टे में हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर इसके बराबर कितना है डी ओमेगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग समीकरण दो का यूज करेंगे। तो समीकरण दो से इसकी जगह पे अब लिखना है आपको डी ओमेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी ओमेगा, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एक सूत्र याद रखना है, सूत्र होता है सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर फोर पाई स्टेरेडियन, ये आपको याद रखना है, ये सूत्र होता है सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है फोर पाई स्टेरेडियन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सरफेस इंटीग्रेशन डी ओमेगा इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं फोर पाई, तो अब ध्यान दीजिए ये यहाँ पर होगा क्यू बट्टे में हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे लिखा जाएगा फोर पाई। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर फोर पाई से फोर पाई जो है कैंसिल हो जाएगा, तो जब फोर पाई से फोर पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा क्यू और बट्टे में आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ गया फाई ई, इससे आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस की प्रमेय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग गॉस की प्रमेय को जो है सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं, जैसे कि पहला ध्यान दीजिए इसमें है गॉस की प्रमेय जो है ये धनात्मक तथा ऋणात्मक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेशों के लिए सत्य है, यानी कि जो अभी आपको समीकरण बताया गया था यानी कि फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन सदिश ई डॉट सदिश डी ए बराबर आपको बताया गया है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर जो क्यू का मान रखा गया है वो धनात्मक रखा गया यानी कि प्लस में रखा गया है। अगर वही आवेश यहाँ पर माइनस में दिया गया होता तो यहाँ पर हम लोग माइनस में रखते हैं, यानी कि इस समीकरण में जो आवेश रखा जाता है उसे हमेशा चिन्ह के साथ रखना चाहिए, यानी कि माइनस है तो माइनस के साथ और प्लस है तो प्लस के साथ। तो वही यहाँ पर बताया गया कि गॉस की प्रमेय जो है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की आवेशों के लिए जो है सत्य है, यानी कि आवेश चाहे उस बंद पृष्ठ के अंदर ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो दोनों के लिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय जो है वो सत्य है। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा यहाँ पर कि यह नियम जो है सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य है चाहे उनकी आकृति या आकार कुछ भी हो। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर कोई गोला दिया गया इस प्रकार से, ये बंद पृष्ठ है, इसके अलावा त्रिभुज दे दिया जाए ये बंद पृष्ठ है, इसके अलावा आपको कोई घनाभ दे दिया जाए इस प्रकार से, ध्यान दीजिए ये भी एक बंद पृष्ठ है। तो जितने भी बंद पृष्ठ हैं उन सभी के लिए यहाँ पर गॉस की प्रमेय जो है सत्य है, उनका आकार या आकृति जो है
कुछ भी हो, ये याद रखिएगा आप लोग, आकार या आकृति जो है कुछ भी हो ये सभी के लिए जो है यहाँ पर सत्य है। अगर इसके अंदर यहाँ पर आवेश Q दिया गया है, इसके अंदर उपस्थित आवेश Q है, यहाँ पर भी इसके अंदर उपस्थित आवेश Q है, तो इन सब के लिए गॉस प्रमेय यानी कि जो फाई ई का मान होगा वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आकार या आकृति कुछ भी हो सभी के लिए यहाँ पर ये नियम जो है सत्य है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें तीसरा पॉइंट कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स का मान है, यानी कि जो ये वैद्युत फ्लक्स का मान है ये पृष्ठ की आकृति यानी कि आकृति के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा आकार तथा पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। अब ध्यान दीजिए आकार आकृति पर तो निर्भर नहीं करता, यानी कि आकार चाहे जैसा भी हो, आकृति चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो बंद होनी चाहिए तो उस पर निर्भर नहीं करेगा। इसके अलावा लिखा है उसके अंदर उपस्थित आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। स्थिति का मतलब ये आवेश चाहे यहाँ पर दिया हो या फिर यही आवेश जो है यहाँ पर दिया हो या फिर यही आवेश यहाँ पर दिया हो, कहीं भी दिया हो, सब के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान यही होगा। याद रखिएगा ये आवेश चाहे यहाँ पर दिया होता या फिर यहाँ पर दिया होता तब भी फ्लक्स का मान यही होगा। ये आवेश चाहे यहाँ पर दिया हो या फिर आवेश यहाँ पर दिया हो, इसके लिए फ्लक्स का मान यही होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान होता है वो पृष्ठ की आकृति आकार तथा पृष्ठ के अंदर जो उपस्थित आवेश होता है उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। उस बंद पृष्ठ के अंदर कहीं भी आवेश अगर है तो उसके लिए गॉस के प्रमेय का नियम जो है यही होगा हमेशा। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा चौथा पॉइंट, अगर कोई सममित पृष्ठ है, याद रखिएगा अगर कोई सममित वस्तु या सममित पृष्ठ दिया गया है और उसके केंद्र पर जो है आपको आवेश बता दिया गया कि क्यों है, यानी कि कोई सममित वस्तु दी गई है और उसके केंद्र पर आवेश कितना है क्यों, और उसके बाद पूछ लिया जाए आपसे कि उसके आधे पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो अगर आधे पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स किया जाएगा तो जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा, यानी कि आप बता सकते हैं क्यों बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा अगर कोई सममित वस्तु है और उस सममित वस्तु के केंद्र पर आवेश कितना दिया गया क्यों, तो उस सममित वस्तु के आधे पृष्ठ से बद्ध अगर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा तो वो हो जाएगा क्यों बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग याद रखेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।